Now, we'll start the second part of the second chapter, Ideal Gases and Ideal Process. Now, पहला part complete हो गया है. पहले part में अपन ने क्या देखा है कि जो different ideal different gases law जो है वो देखी है. Boyle's law देखा, Charles law देखा, Gay-Lussac law देखा है ना, और Avogadro's law देखा है. अभी देखेंगे कि equation of the state देखेंगे कि जो state है ना, उसका इक्वेशन देखेंगे. अभी कभी भी याद रखना कि अपने को स्टेट डिफाइन करना है. स्टेट डिफाइन करना है तो व्हाट इज मीन बाय द स्टेट. स्टेट किसको कहेंगे? तो स्टेट मतलब क्या होता है, कंडीशन ऑफ द सिस्टम एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, उसको बोलेंगे स्टेट. मतलब अपन एक जगह खड़े हैं तो वो एक जगह खड़े होने के बाद में वो जो प्लेस है उसको कहेंगे स्टेट. अब एक जगह से दूसरी जगह गए तो क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा, तो चेंज इन स्टेट को कहेंगे प्रोसेस. ठीक है, तो अभी देखेंगे इक्वेशन ऑफ द स्टेट. तो इक्वेशन ऑफ द स्टेट में देखते हैं कि पहला देखेंगे इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस. इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑल वेरी साइमल्टेनियसली. तो आपको पता है कि प्रेशर और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये जो है ये चेंज होते रहते हैं. जब इसमें आपने प्रेशर चेंज किया, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट रहते, ये वेरी होते रहते हैं. ठीक है, इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में. सो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ अलोन इज नॉट अप्लीकेबल. देयरफॉर एक बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ अपन अप्लाई नहीं कर सकते. कभी कभी क्या करना पड़ता है, अपने को दो लॉ का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है. तो इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री प्रॉपर्टीज, अपने को पी वी और टी पे रिलेशनशिप देखना है, रिलेशनशिप निकालना है, तो अपने को क्या करना पड़ता है, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ जो है ये कंबाइन करना पड़ता है, और जो इक्वेशन मिलता है अपने को उस जनरल इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ द स्टेट. उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ द स्टेट. तो इक्वेशन ऑफ द स्टेट निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ कंबाइन करना पड़ता है. और जब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ कंबाइन करते हैं और जो इक्वेशन मिलता है उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द स्टेट, को बोलते हैं जनरल इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ कंबाइन करना पड़ेगा. तो अपन देखते हैं कि बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ कंबाइन कैसे करते हैं. तो पहले सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें कि द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ द स्टेट. तो जो रिलेशनशिप होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में, उस रिलेशनशिप, जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द स्टेट. उसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ द स्टेट. तो फंक्शन किस तरह रहेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ द स्टेट. तो अपन निकालेंगे कैसे निकालते हो देखते हैं. अपने को पता है कि यदि दो प्रॉपर्टी आपको पता है, तो तीसरी प्रॉपर्टी अपन निकाल सकते हैं इक्वेशन अप्लाई करने के बाद में अपन निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अपन क्या करते देखते हैं इसमें. ये डायग्राम देखो अभी, या ये देखो, ये डायग्राम है. ये वर्टिकल लाइन में क्या दिखता है, प्रेशर है. ये प्रेशर है, वर्टिकल लाइन इंडिकेट द प्रेशर और हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट द वॉल्यूम. ये स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यहाँ से स्टार्ट होता है, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे, बॉटम टू टॉप जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा. अब यहाँ पे दो प्रोसेस लिए, पहली प्रोसेस जो दिखती है 1-2-2- डी है. अब इसको प्रोसेस कैसे बोलेंगे, देखो पहली ये वन पॉइंट दिखता है उसको बोलेंगे कंडीशन वन, तो इसको बोलेंगे स्टेट वन. यहाँ से फिर पॉइंट टू डैश पे आते हैं तो ये हो गए सेकंड कंडीशंस. मतलब सेकंड कंडीशन मतलब ये वन से टू गए अपन, मतलब ये पोजीशन चेंज हो गई है. पोजीशन चेंज हो गई तो वहाँ पे जो प्रोसेस, वहाँ पे जो न्यू सिस्टम जो मिलती है उसको बोलेंगे प्रोसेस. तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले कंडीशन वन पे थे, फिर कंडीशन टू पे आए, तो कंडीशन चेंज हुई है तो प्रोसेस ऑकर होता है. तो प्रोसेस कैन बी ऑकर व्हेन द सिस्टम अंडरगोज द चेंज इन कंडीशन. जब कंडीशन चेंज होती है तो प्रोसेस ऑकर होती है. तो पहली जो प्रोसेस ली है अपन ने, वो प्रोसेस ली है 1-2-2, और ये ली है कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस. यहाँ पे क्या दिखता है, प्रेशर कैसा है, कॉन्स्टेंट है. प्रेशर कैसा है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि क्या है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है. तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दिख रही है. स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे लेते हैं तो 1-2 पे प्रेशर कैसा दिखेगा आपको, सेम दिखेगा. ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो ये प्रेशर सेम रहेगा. तो प्रेशर सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर किस प्रोसेस पे सेम रहता है, कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे अपन, चार्ल्स लॉ.
स्टियर्स लॉ में क्या होता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहाँ पे अपन चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो प्रोसेस 1-2-2 इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और सेकंड प्रोसेस जो ली है 2-2-2 ये प्रोसेस है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर कौन से लॉ में रहता है? बॉयज़ लॉ पे। तो यहाँ पे अपन कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? 2-2-2 पे बॉयज़ लॉ अप्लाई करेंगे, है ना, बॉयज़ लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गए पीवी और टीएस डायग्राम कंबाइंड फॉर चार्ल्स लॉ एंड बॉयज लॉ के लिए। ये जो दिख रही है ना यहाँ पे ये कंबाइंड डायग्राम है, पीवी डायग्राम जो है कंबाइंड है। कंबाइंड कौन से? पहले है चार्ल्स लॉ के लिए, फिर है बॉयज लॉ के लिए। अब ये जो प्रोसेस कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद में क्या इक्वेशन मिलता है वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अप्लाई करते हैं, पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है तो कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? बॉयज लॉ। तो पहले प्रोसेस 1-2 देखते हैं, इसमें अपन क्या करेंगे? चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ई प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। तो ये प्रोसेस 1-2 है, देयरफॉर यहाँ पे चार्ल्स लॉ पे देखेंगे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, देयरफॉर वी बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है। तो पहले इसमें देखेंगे V1 upon T1 इज इक्वल टू V2 upon T2। यहाँ पे क्या रहेगा? V1 upon T1 इज इक्वल टू V2 upon T2। अब ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। तो ये जो T2 रहेगा और T2 रहेगा, इसका टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। देयरफॉर यहाँ पे देखेंगे T2 इज इक्वल टू T2 आएगा। तो अपना इक्वेशन कैसा बन जाएगा? V1 upon T1 इज इक्वल टू V2 upon T2 था, तो T2 की जगह आएगा T2। ये पहला इक्वेशन हो गया, अपन ने यहाँ पे क्या अप्लाई किए है? चार्ल्स लॉ। सेकंड प्रोसेस में अपन करेंगे 2-2 है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे बॉयज लॉ। तो यहाँ पे कैसा आएगा? P2-T2 इज इक्वल टू P2-T2। P2-T2 इज इक्वल टू P2-T2। तो पता है ना आपका PV इज इक्वल कॉन्स्टेंट रहता है इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। ये अपना बॉयज लॉ है। तो ये P2-T2 इज इक्वल टू P2-T2। अब ये जो P2 है, ये P2 इज इक्वल क्या रहता है? P1 रहता है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये P2 इज इक्वल टू P1 आएगा। तो यहाँ पे P2 के जगह P1 पुट कीजिए आप। तो यहाँ पे पुट किया P2 इज इक्वल टू P2-V2। तो अपने को V2 मिल गया अपने को P2-V2 upon P1। इक्वेशन सेकंड लेते हैं इसको। अभी क्या देखते हैं कि ये जो V2 है ना, और ये V2 है, इसकी वैल्यू इक्वेशन ये ए में पुट कीजिए आप। तो इसमें पुट करते हैं अभी कि ये है V1 upon T1 आ गया। V2 की जगह P2-V2 upon P1 अप्लाई किया, P2-V2 upon P1 into T2। तो ये फॉर्म इक्वेशन या अभी देखने के बाद में अपने को ये इक्वेशन मिल गया। अब ये जो इक्वेशन मिल गया है अपने को V1 upon T1 = P2-V2 upon P1 T2, इसको रीअरेंज करते हैं। तो ये आ जाएगा, ये P1 ऊपर जाए, नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा P1 V1 upon T1, यहाँ पे P2 V2 upon T2। तो ये अपने को मिल गया P1 V1 upon T1 = P2 V2 upon T2। मतलब प्रोसेस 1-2, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे 1-2-2-2-2, तो 1-2 प्रोसेस में अपने को क्या मिल गया? इक्वेशन 1 and 2 प्रोसेस के लिए ये मिल गया अपने को इक्वेशन P1 V1 upon T1 = P2 V2 upon T2, ठीक है। मतलब यहाँ पे, और इसको अपन ऐसा लिखेंगे PV upon T इज इक्वल टू द कांस्टेंट। और कांस्टेंट कोई भी टर्म लेते हैं, सी लेते हैं, आर भी लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे सी लिया। अभी क्या कर लेते हैं कि 1 मास के लिए अपन ये इक्वेशन लेते हैं, फॉर यूनिट मास के लिए अप्लाई करते हैं, तो PV upon T इज इक्वल टू द आर आता है। तो आर को बोलेंगे, ये आर को क्या कहेंगे? जब वेन 1 kg ऑफ द गैस इज कंसिडर्ड देन कॉन्स्टेंट इज रिटन एज आर। आर को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। PV upon T इज इक्वल टू मिल गया अपने को आर, हो गया आर के लिए, फॉर यूनिट मास के लिए। मतलब यूनिट मास मतलब m इज इक्वल टू 1 kg था। अब m इज इक्वल टू m kg लेते हैं, तो m kg के लेने के बाद में अपने को ये इक्वेशन मिल जाएगा PV upon T इज इक्वल टू mR। और इज इक्वल मिलेगा अपने को PV = mRT मिलेगा। PV = mRT, इस PV = mRT को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द स्टेट
और कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। तो इस प्रकार से अपने को पी वी इक्वल एम आर टी इक्वेशन निकाला है, इसमें से अपन एम भी निकाल सकते हैं, तीन वैल्यू आपको पता है तो अपने को बाकी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर अपन ये इक्वेशन जो है पी वी अपॉन टी इज इक्वल कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन अप्लाई करने के बाद भी अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल पी टू वी टू अपॉन टी टू, इक्वेशन अप्लाई करके जो अननोन वैल्यू है जो गिवन है ना, वो उसमें से अपने एक अननोन जो वैल्यू है वो निकालेंगे। ठीक है, तो यह बहुत हो गया कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन एर इक्वेशन ऑफ द स्टेट का। ठीक है, ये निकाल लिया अपन ने, इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। बाद में नेक्स्ट जो आता है एग्जाम में आता है कि एक डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डेफिनेशन आती है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर जीरो से मेंशन किया है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर जीरो इज इक्वल होता है एम इंटू आर। एम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एंड आर इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, तो आर जीरो इज इक्वल टू रहता है एम इंटू आर। और इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मोलर कांस्टेंट ऑफ द गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ द मॉलिकुलर मास एंड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो आर जीरो इज इक्वल एम आर, तो इसकी वैल्यू जो रहती है कांस्टेंट रहती है और वो रहती है 8314 जूल पर केजी मोल केल्विन। इसकी वैल्यू कितनी रहती है 8314 जूल पर केजी मोल केल्विन, इसकी इतनी वैल्यू रहती है। ठीक है, और आर की वैल्यू रहती है 287। तो कांस्टेंट की वैल्यू जो आर जीरो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, ये याद रखना कि आर जीरो इज इक्वल टू द 8314 जूल पर के जी मोल केल्विन। आर की वैल्यू, आर जीरो की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, एम की वैल्यू आपको पता चल जाएंगी। तो आर जो है फॉर डिफरेंट गैसेस के लिए निकाल सकते हैं, मतलब अपने को आर निकालना है एयर के लिए निकालना है, सी ओ टू के लिए निकालना है, ऑक्सीजन के लिए निकालना है, तो अपन इसमें क्या करते हैं आर जीरो की वैल्यू आपको कांस्टेंट पता ही है, उसमें एम की वैल्यू डाले तो आर की वैल्यू इजीली अपन निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अपना ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे कि जो डिफरेंट प्रोसेस है, जो अपन देखा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसका पी वी और टी एस डायग्राम एग्जाम में आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी देख लेंगे। तो इस प्रकार से सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं, तो कल मिलेंगे अपन थर्ड पार्ट में, वहाँ पे अपन देखेंगे आइडियल गैस प्रोसेस। ओके, थैंक यू।